Very good morning, dear students. Hope you all are fine. In the last class, we discussed about the revision of chapter 2. Hopefully, all those questions are clear to you. You have noted down in your register and you have completed your homework also. So today, let us revise chapter 3, which is natural numbers and whole numbers. Coming to the first question, write the immediate successor and predecessor of 78989. नंबर गिवन है हमें 78989, उसका हमें सक्सेसर बताना है और प्रीडेसेसर. सक्सेसर क्या होता है? नेक्स्ट वाला नंबर. और प्रीडेसेसर क्या होता है? प्रीवियस वाला नंबर. अगर हम एग्जांपल ले 5 का, तो 5 का सक्सेसर है 5+1 विच इज 6, और 5 का प्रीडेसेसर है 5-1 विच इज 4. हमें इस क्वेश्चन में सक्सेसर और प्रीडेसेसर बताना है 78989 का. तो सक्सेसर क्या होगा? इमीडिएट सक्सेसर. नेक्स्ट वाला सक्सेसर क्या होगा? 78989+1 विच इज इक्वल टू 78990. इमीडिएट सक्सेसर ऑफ 78989 इज 78990. नॉट टॉकिंग अबाउट इमीडिएट प्रीडेसेसर. इमीडिएट प्रीडेसेसर क्या होगा? 78989 में से 1 डिक्रीज कर देंगे. 78989-1 विच इज इक्वल टू 78988. सो दिस इज द आंसर. इमीडिएट प्रीडिसेसर ऑफ 78989 इज 78988. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2 विच इज व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर. हमें बताना है सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है. बिफोर दैट लेट अस डिस्कस व्हाट नेचुरल नंबर इज. द काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर. जो नंबर हम गिन सकते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं. तो हमारी काउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है? 1 से. 1, 2, 3, 4, 5 और एंड सो ऑन इनफिनिटी तक जाते हैं. तो द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1. सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा हो गया? 1. नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन व्हिच इज व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर. सबसे छोटा होल नंबर बताना है. होल नंबर और नेचुरल नंबर में सिर्फ यही डिफरेंस होता है, होल नंबर में एक और नंबर इंक्लूड हो जाता है विच इज 0. सो इन होल नंबर वी स्टार्ट विद 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. तो सबसे छोटा होल नंबर कौन सा हो गया? 0. द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0. दिस इज द आंसर. नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4 विच इज फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. तीन नंबर हमें गिवन है 23, 46 और 64. उनका सम निकालना है, उनका प्रोडक्ट निकालना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करके. सो व्हाट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, उसी के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. सॉल्यूशन फाइंडिंग द सम, सबसे पहले हम सम करके रख लेंगे यहाँ पे जिससे हमें प्रॉब्लम ना हो. वी एडेड 23+46+64 सिंपली आंसर आया 133. अब यूज करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? नंबर का सीक्वेंस चेंज करने पर भी हमारा सम चेंज नहीं होता. फॉर एग्जांपल हमने पहला सीक्वेंस लिया 23 प्लस ब्रैकेट में लिया 46 प्लस 64, मतलब हमने लिया ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी. तो पहले बी प्लस सी का सम हुआ, फिर जो सम आएगा उसे हम ए में ऐड करेंगे. हमने 46 प्लस 64 ऐड किया, हमारा आया 110. उसमें हमने 23 जिसको हम सपोज कर सकते हैं ए, हमने ऐड किया, आंसर आया 133. सिंपली भी 133 आया था, ऐसे भी 133 आया. अब हमने सीक्वेंस चेंज किया 23 प्लस 64 प्लस 46. सीक्वेंस चेंज हो गया, ए प्लस सी प्लस बी हो गया. सपोज कर सकते हैं ए हमने 23 लिया है, बी हमने 46 लिया है और सी हमने 64 लिया है. तो सीक्वेंस हो गया ए प्लस सी प्लस बी. तो फिर से हमने 64 प्लस 46 किया, 110 आया. उसमें 23 जिसको हमने ए ले रखा है वो ऐड किया, आंसर फिर से 133 आया. अब सीक्वेंस फिर से चेंज हो गया, ब्रैकेट में हमारा आ गया ए प्लस बी, फिर ब्रैकेट बंद, फिर सी. पहले a प्लस बी एड होगा, जो सम आएगा वो c के साथ एड होगा. यहां देखते हैं 23 प्लस 46 a प्लस बी
इसको ऐड किया 69 आया, इसमें हमारा सी जो कि 64 था वो ऐड किया, 69 का 64 हम ऐड करेंगे, फिर हमारा आएगा वही आंसर 133। अब फिर से सिक्वेंस चेंज हो गया, ब्रैकेट में आया ए प्लस सी प्लस बी, 23 का 64 ऐड किया 87 आया, उसमें बी जिसे हमने ले रखा था 46 उसे ऐड किया, आंसर फिर से आया 133। तो ये थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर सम, एडिशन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाउ वी डिस्कस इट इन द केस ऑफ प्रोडक्ट दैट इज मल्टीप्लिकेशन। नाउ वी डिस्कस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन द केस ऑफ प्रोडक्ट दैट इज मल्टीप्लिकेशन। वही तीन नंबर है 23 इंटू 46 इंटू 64, पहले सिंपली हमने मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे 23 को 46 में किया, फिर उसका प्रोडक्ट आया 1058, उसकी 64 से मल्टीप्लाई करी, ये रफ वर्क है, आपने भी रफ वर्क साइड में अपनी कॉपी पे करना है। हमारा आंसर आया 67712, सिंपली मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आया 67712। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करके चेक करेंगे कि क्या हर केस में हमारा यही आंसर आ रहा है। सो वी विल स्टार्ट विद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट। पहला सिक्वेंस हमने लिया ए इंटू ब्रैकेट में B into C, A, B, C वही था 23, 46 और 64, पहले मल्टीप्लाई हुई 46 की 64 से, इसका जो प्रोडक्ट आएगा उसकी मल्टीप्लाई होगी 23 से, तो हमने यहां मल्टीप्लाई करके दिखाई है 46 into 64, रफ वर्क में मल्टीप्लाई करिए, सॉल्व किया 46 into 64 हमारा आया 8832, उसकी हमने फिर मल्टीप्लाई करी A में which is 23, मल्टीप्लाई करने पे हमारा आएगा 67712, वही जो सिंपली मल्टीप्लाई करके आया था। अब सीक्वेंस चेंज होगा ए इंटू सी इंटू बी, अब क्या किया हमने 64 की 46 सेम वही मल्टीप्लाई, ए वाला 8832 आया, 23 से मल्टीप्लाई, सॉल्यूशन वही 67712, तो इस केस में भी हमारी प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। अब सीक्वेंस फिर से चेंज हुआ ए इंटू बी ब्रैकेट में आया और फिर आया इंटू सी, इस केस में क्या होगा पहले ए की मल्टीप्लाई बी से होगी, प्रोडक्ट जो आएगा उसकी मल्टीप्लाई सी से होगी, तो ए था 23 बी था 46, 23 इंटू 46 मल्टीप्लाई की आंसर आया 1058, यहां पे हमने मल्टीप्लाई कर रखी 23 इंटू 46 की 1058 आया, उसकी मल्टीप्लाई सी से हुई विच वॉज 64, 64 से मल्टीप्लाई की आंसर फिर से वही आया 67712। नाउ अगेन चेंजिंग द सीक्वेंस, नाउ सीक्वेंस विल बी ए इंटू सी इंटू बी, ए की मल्टीप्लाई सी में, 23 की मल्टीप्लाई 64 में, फिर 46 से, सो 23 की 64 से मल्टीप्लाई की यहां पे आंसर आया 1472, फिर उसकी मल्टीप्लाई 46 में की तो फिर से वही आंसर आया 67712। सो दिस वाज़ द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट विच होल्ड्स इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों के केस में होल्ड करती है, सीक्वेंस चेंज करने पर भी हमारा प्रोडक्ट और सम सेम रहता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिविजन के केस में ये होल्ड नहीं करती है। Now we'll discuss question number 5, which is find the value of the following numbers using distributive property. अब हमने distributive property का use करके इस number की value निकालनी है। Distributive property क्या होती है हमारी, a plus b into a plus c equal a into b plus c, मतलब तीन numbers अगर हैं a b और c तो a की multiplication b से, उसका addition a की multiplication c से इक्वल होगा हमारा b प्लस सी को हम ऐड कर लें और उसकी मल्टीप्लाई a से कर दें, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आगे क्वेश्चंस करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। हियर इस केस में, इस क्वेश्चन के केस में a है हमारा 500, b है 20, c है 30, हमने पहले निकालना है a टू b प्लस a टू c, 500 into 20 a into b plus 500 into 30 a into c,
520 हमने सॉल्व किया आया 10,000, 500 इनटू 30 हमने सॉल्व किया आया 15,000। रफ वर्क में हमने ये करना है, आप भी नोट डाउन करिएगा इस रफ वर्क को भी। 10,000 प्लस 15,000 आंसर आया 25,000। ये तो हुआ a इनटू b प्लस a इनटू c। अब हम चेक करेंगे क्या जब इसे कंप्रेस कर रहे हैं a इनटू b प्लस c कर रहे हैं तो सेम आंसर आ रहा है। a था 500 मल्टीप्लाई का साइन ब्रैकेट में b 20 था और c 30। b प्लस c 20 प्लस 30 ब्रैकेट सॉल्व किया विच इज इक्वल टू 50। b प्लस c आया 50 उसकी मल्टीप्लाई a से, a था 500, 500 इनटू 50 यहां सॉल्व किया है आंसर आया सेम 25,000। हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। वी फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6 व्हिच इज ड्रॉ नंबर लाइन टू फाइंड द सम 3 प्लस 5। नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और सम निकालना है 3 और 5 का, मींस उन्हें ऐड करना है। तो हम नंबर लाइन पे सबसे पहले 3 रिप्रेजेंट करेंगे। हमने नंबर लाइन बनाई 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, यहां पे लिख दिया a, इसे a मार्क कर दिया। अब एक नंबर लाइन और बनाई, हमने क्या किया यहां a मार्क किया था तो a यहां से लिख दिया। b हमारा हो गया 5, मींस हमें 5 स्टेप्स आगे बढ़ना है नंबर लाइन पे। तो हम पहले स्टेप में गए 3 से 4 तक, 1 स्टेप आगे बढ़े, फिर 4 से 5 तक 2 स्टेप्स आगे बढ़े, फिर 5 से 6 तक 3 स्टेप आगे बढ़े, 6 से 7 तक 4 स्टेप्स आगे बढ़े और 7 से 8 तक 5 स्टेप आगे बढ़े। हमारा क्या हो गया a प्लस b, a था 3 b था 5, हम 5 स्टेप्स आगे बढ़े तो हमें नंबर लाइन से क्लियर हो गया कि हमारा 3 का अगर 5 में हम सम जोड़ेंगे मींस 5 स्टेप आगे बढ़ेंगे तो हमारा सम आएगा 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो ये था हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम ऑन नंबर लाइन। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7 व्हिच इज ड्रॉ नंबर लाइन टू सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 5। अब हमने नंबर लाइन का यूज करके सब्ट्रैक्शन शो करना है, 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। हम नंबर लाइन पे 5 बनाएंगे, 0 से निकल 5 तक 0 1 2 3 4 5 तक हमने बना लिया, इसे a मेंशन कर दिया। अब हमने 2 सब्ट्रैक्ट करना है तो हम एक स्टेप पीछे आए, एडिशन में हम स्टेप बाय स्टेप आगे गए थे, सब्ट्रैक्शन में हम बैक आएंगे तो हम एक स्टेप पीछे आए, मींस एक नंबर हमने माइनस कर दिया और हमने माइनस करना है 2, तो एक स्टेप और पीछे आए तो हम 5 से 3 पर आ गए। तो 5 से 3 पर आ गए, 3 ही हमारा आंसर हो गया। 5 में से 2 हमने रिड्यूस किया, 3 आंसर हो गया। इन क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड 4 यूजिंग नंबर लाइन। अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है दो नंबर्स का नंबर लाइन को यूज करके। तो 2 और 4 का हमने प्रोडक्ट बनाना है। नंबर लाइन बनाई हमने, 0 से हमने स्टार्ट किया फर्स्ट स्टेप में और 2 स्टेप आगे बढ़े क्योंकि हमने 2 की मल्टीप्लाई 4 से करनी है, मींस हमने 4 बार 2 2 स्टेप नंबर लाइन पे आगे बढ़ना है। 4 टाइम्स वी हैव टू गो 2 स्टेप्स फर्दर। तो हम 2 स्टेप आगे बढ़े, 0 के से सीधा 1, फिर 1 से 2, सीधा आए 0 से 2, फिर 2 स्टेप आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप में 2 से 4, स्टेप 3 में फिर 2 स्टेप आगे बढ़ेंगे 4 से 6 और फाइनल स्टेप में हम फिर से आगे बढ़ेंगे विच इज 6 से 8। सो हम लोग 2-2 स्टेप करके 4 बार बढ़ गए विच इज द प्रोडक्ट इन द नंबर लाइन 2 इंटू 4 विच रिप्रेजेंट 8। प्रोडक्ट के केस में क्या हुआ, हमने 2 और 4 का प्रोडक्ट निकालना था तो हम 2 स्टेप्स बढ़े 4 टाइम्स और हमारा प्रोडक्ट आ गया 8। नाउ डियर स्टूडेंट, वी डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस रिवीजन एक्सरसाइज व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व विद द हेल्प ऑफ पैटर्न। पहले केस में हमने एडिशन करना है, दूसरे में सब्ट्रैक्शन करना है, तीसरे में मल्टीप्लिकेशन करना है, लेकिन ये सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ना करके हमने पैटर्न का यूज करना है। कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट व्हिच इज 315 प्लस 99, 315 में 99 को ऐड करना है पैटर्न का यूज करके। 399 को हम यहां पे लिख सकते हैं 100 माइनस 1 बिकॉज वी आर यूजिंग पैटर्न। 315 प्लस 100 माइनस 1 तो बॉड मास रूल का यूज किया, 315 में 100 ऐड किया आ गया 415, उसके बाद 1 सब्ट्रैक्ट किया आंसर आ गया हमारा 414। सिंपल एडिशन करेंगे तब भी यही आंसर आएगा 414। नाउ वी डिस्कस सब्ट्रैक्शन यूजिंग पैटर्न।
1756 में से 999 हमने सब्सट्रैक्ट करना है, लेकिन पैटर्न का यूज करके। सो यहाँ पे 999 को हमने लिख लिया 1000 माइनस 1, 1756 माइनस ब्रैकेट में 1000 माइनस 1। अब क्या हुआ, यहाँ बाहर माइनस साइन था तो उसकी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगी, 1756 माइनस साइन की मल्टीप्लाई होगी तो ये माइनस 1000 हो गया, और माइनस माइनस प्लस तो सी ये प्लस 1 हो गया। अब क्या हुआ, हमने इसको सब्सट्रैक्ट कर लिया पहले, लेकिन अगर बॉड मार्क्स का यूज करेंगे तो हम पहले ऐड कर देते हैं, 1756 प्लस 1 माइनस 1000। हमने 1756 में 1 ऐड किया और 1000 को सब्सट्रैक्ट करा, 1757 ऐड हुआ 1 होके और 1000 सब्सट्रैक्ट हुआ उसमें से और आंसर आ गया 757। दिस वाज सब्सट्रैक्शन यूजिंग पैटर्न। नाउ वी डिस्कस मल्टीप्लिकेशन यूजिंग पैटर्न। अब हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन को कैसे पैटर्न का यूज करके हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इज 135 into 9, 135 into 9। अब 9 को हम यहां लिख सकते हैं 10 minus 1, सो 135 into 10 minus 1। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, 135 into 10 minus 135 into 1, a into b minus c, a into b minus a into c। सो 135 इंटू 10 किया आया 1350, 135 इंटू 1 किया आया 135, माइनस किया आंसर आया 1215। सिंपल मल्टीप्लीकेशन करेंगे तभी यही आंसर आएगा, ये हमारा मल्टीप्लीकेशन यूजिंग पैटर्न था। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व विद रिवीजन ऑफ चैप्टर 3 इन विच वी डिस्कस 9 क्वेश्चन। राइट डाउन ऑल द क्वेश्चन केयरफुली इन योर मैथ्स नोटबुक एंड रिवाइज देम प्रॉपर्ली। From the next lecture, we will start the new chapter, that is fraction. Till then, thank you and have a nice day.